दोस्तों आज दीपावली है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट करिए और ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बेसिकली आपको एक गिफ्ट मिल सकता है दीपावली में। आपको पता होगा अगर आप मी टीवी यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों के टीवी में अपडेट के बाद में मीराकास्ट ऐप जो थी वो चली गई है। मेरे टीवी में फिलहाल अभी मीराकास्ट ऐप है, लेकिन काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर बोल रहे हैं कि उनके टीवी से अपडेट के बाद में मीराकास्ट ऐप अब नहीं है। तो कैसे आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को कास्ट करोगे, मैं इसका आज आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके फ़ोन की डिस्प्ले इजिली कास्ट हो जाएगी। अगर आपके टीवी में मीराकास्ट ऐप नहीं है फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने टीवी के प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एयर स्क्रीन। आपको इसी ऐप को सर्च कर लेना है बेसिकली प्ले स्टोर में और आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने टीवी में। आप इसके डेवलपर का नाम देख लीजिए, लॉनी टेक है। आपको इन्हीं डेवलपर का ऐप को यूज़ करना है क्योंकि काफ़ी सारी ऐप मिल जाएंगी, हो सकता है वो ऐप आपके टीवी में काम ना करें। ये जो ऐप है काफ़ी सही है। अब इस ऐप का फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है फिर भी ये ऐप काम करेगी, आपके एंड्रॉयड फ़ोन की डिस्प्ले को कास्ट करेगी। अगर आपके पास में आईफोन है तो उसके भी स्क्रीन को ये कास्ट करेगी, तो आपको डबल बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। अब आते हैं भाई किसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले को कास्ट करने के लिए बेसिकली एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फ़ोन है और आपका टीवी सेम वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, सेम नेटवर्क होगा तभी ये काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने फ़ोन में, अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आपको गूगल होम बोल के एक ऐप आती है उसको इंस्टॉल करना होगा। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एयर स्क्रीन ऐप को, और जब आप इसको लॉन्च करोगे इस ऐप को तो कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर आपको स्टार्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। अभी आप यहां पर देख सकते हो सबसे नीचे में वेट फॉर अ कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है और ऊपर में डिवाइस नेम ASMeTV4AXS00 बोल के कुछ आ रहा है। तो ये आपको जब दिखेगा तो समझ लीजिए कि आपकी जो ऐप है टीवी में वो काम करना शुरू कर दी है। अभी दोस्तों ये जो मेरा फ़ोन है Redmi 4 मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैंने गूगल होम ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। बिल्कुल कंपलसरी है, अगर आप अपने टीवी में एयर स्क्रीन ऐप को यूज़ कर रहे हो तो ये ऐप आपको जरूर इंस्टॉल करनी होगी अपने फ़ोन में। अभी यहाँ पर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसके बाद में आप देख सकते हो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ऐसे यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी आ गया है। ध्यान यही देना है कि आपका फ़ोन और आपका टीवी सेम वाईफाई से कनेक्ट होगा तभी ये आपको दिखेगा। अब मैं क्या करना है आपको कि एंड्रॉयड टीवी के ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कास्ट माई स्क्रीन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कास्ट स्क्रीन के ऊपर में क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो फ़ोन की स्क्रीन है वो कास्ट हो रही टीवी में और अभी ये कास्ट हो चुकी है। तो अभी मैं फ़ोन में कुछ भी करता हूँ तो आप देख सकते हो कि तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है टीवी में, बिल्कुल सही से ये ऐप काम कर रही, किसी भी तरह का लैग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये टीवी में तुरंत के तुरंत अपडेट हो रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है। तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में दोस्तों, पहले मैं इसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप यहाँ से कोई मीडिया वगैरह भी प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही से चलने वाला है, किसी भी तरह का आपको लैग नहीं दिखेगा। बस ध्यान ही रखना है कि आपके जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी थोड़ी अच्छी स्पीड होगी तो आपको किसी भी तरह का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं एक बार इस कास्ट को रोकता हूँ गूगल होम ऐप से ही और फिर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि मेरा कास्ट से अगर आप ट्राई करते हो तो ये काम नहीं करता है, इसका भी आपको एक लाइव प्रूफ मैं दे देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है अपने स्क्रीन को जो कास्ट हो रही थी फ़ोन में बेसिकली, और मैं बैक करता हूँ अपने टीवी को। और क्योंकि मेरे टीवी में दोस्तों अभी मीराकास्ट है, क्योंकि मैं करेंटली मी टीवी 4A 40 इंच का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मीराकास्ट ऐप है मेरी टीवी में अपडेट के बाद नहीं गई हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये जो मीराकास्ट ऐप है वो ये रही साइड में, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों मैं वही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ Redmi 4, इसमें एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन पैनल को जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कास्ट बोल के, ये वाला कास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर में जब आप क्लिक करते हो तो मेरा कास्ट अगर आपके टीवी में ऐप होगा तभी ये यहाँ पर आपकी बेसिकली टीवी दिखेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी दिख गई है, तो मैं यहाँ से भी इसको कास्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपके टीवी में मीराकास्ट ऐप होगी, तभी ये काम करेगा, तभी बेसिकली आपकी टीवी यहाँ पर सर्च में आएगी। और इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट आपके फ़ोन और टीवी में सेम इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है।
अब एक बार मैं आपको डिस्कनेक्ट इसको करता हूँ और एक और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा श्योरिटी मिल जाएगी कि कैसे एयर स्क्रीन ऐप कितनी सही है और कैसे क्यों आपको उसको यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं दोस्तों फिर से एयर स्क्रीन ऐप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि एयर स्क्रीन ऐप जो है मैंने लॉन्च कर दिया है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो वेट फॉर अ कनेक्शन। अब अगर आप सोचते हो कि गूगल होम ऐप को आप इंस्टॉल ना करो, आपके फ़ोन में डायरेक्टली कास्ट का ऑप्शन है और आप सोचो कि यहाँ पर चलो मैं इसी से डायरेक्टली कास्ट कर लेता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक लाइव प्रूफ। अभी आप देख सकते हो मैंने कास्ट को ऑन कर दिया है और यहाँ पर ये डिवाइस को सर्च ही करेगा, आपकी जो मी टीवी है वो सर्च में नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप एयर स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो तो गूगल होम ऐप को आपको बिल्कुल कंपलसरी यूज़ करना है, आपको इंस्टॉल करना है, तभी आपके टीवी में वो सही से काम करेगा और आपके जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो कास्ट हो जाएगी। तो ये ऐप काफ़ी सही है, अगर आपके पास में आईफोन है तो सेम प्रोसेस उसमें भी आप अप्लाई करोगे तो आपके आईफोन की भी डिस्प्ले कास्ट हो जाएगी आपके एंड्रॉयड टीवी में। तो दोस्तों कैसी लगी ये ऐप आप जरूर से बता सकते हो नीचे कमेंट करके। अगर आपके टीवी में मेरा कास्ट नहीं है तभी आप इसको इंस्टॉल करिएगा, अगर आपके टीवी में मेरा कास्ट है तो आप मैं आपको बोलूंगा कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आपको मेरा कास्ट का एक सोल्यूशन मिल गया होगा। जब तक आपके टीवी में मेरा कास्ट नहीं आता है दोबारा से, तब तक आप इस ऐप को यूज कर सकते हो और अपने फोन के स्क्रीन को आप कास्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।